सभी लोगों को सुप्रभात। It is a great thing to be in the presence of the Lord first thing in the morning, and may the Lord's guidance be with all of us this day, and may our lives be a blessing to many. और आज के सुबह के वक्त में परमेश्वर की उपस्थिति में होना कितनी अद्भुत और महान बात है, और हमारा जो जीवन है ये सभी लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। So today we will continue on the subject of the what happened after the raising of Lazarus. We will be on John chapter 13 today, and we will consider the whole chapter, and we will meditate on John chapter 13. और जो है हम लाजर का जीवन के विषय में देखते हुए आ रहे थे, और आज हम लोग लाजर का पुनरुत्थान के बाद जो है क्या हुआ है उसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और आज योना रचि सुसमाचार उसका 13 अध्याय में आज हम लोग मनन करेंगे। So brother, can you just read the first 3 verses just to get a context before we start meditating? आइए हम लोग पहला 3 वचनों को पढ़ लेते हैं ताकि इस अध्याय में क्या लिखी गई है उस विषय को थोड़ा सा हम जानकारी ले लें। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह कर रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान समोन के पुत्र यहूदा इस्कारियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। Thank you, brother. So this is the setting. He is still in the room where they had observed the Passover, and then what he is going to do is before the feast of Passover, Jesus knew his hour has come. और ये जो कोठरी में है जब फसह का पर्व वे लोग मना रहे थे उस कोठरी का घटना है, और प्रभु जो फसह का पर्व मनाने से पहले ही उसकी घड़ी आ चुकी है इस विषय को प्रभु यीशु मसीह जानते थे। So when you look at the Lord Jesus Christ, he was with them for almost more than 3 years. और आप यदि देखेंगे तो फिर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के साथ 3 साल से ज्यादा रह चुके हैं। So Christ had lived, he has worked, and he has traveled with the 12 that were his apostles. और प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ रहा, उनके साथ चला, उनके साथ बैठा, उनके साथ यात्रा किया, और वो हम लोग देख सकते हैं। And out of the 12 minus 1, they had loved him, they have served him, they have sacrificed their comforts of their home, they were with him in everything, and they even left much of their wealth and their homes and the boats, and they had followed him. और उन 12 में से एक छोड़ करके वो 11 जो थे वे सब के सब अपना धन दौलत अपना पैसा अपना सब कुछ को अपना जो नाव था सब कुछ को त्याग करके प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण किया है। So for many times he has told them that I'm going to leave you. So this is not the first time he has told them. So he's trying to prepare their hearts, and he was always cautioning them, I will leave you. और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार कह चुके हैं कि मैं तुमको छोड़ करके जाने वाला हूँ। अभी भी वो कह रहे हैं, ये आखिरी बार अब जो है ये पहली बार नहीं है, बहुत बार कह चुके हैं। उनका दिलों को उनका मनों को वो तैयार कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ करके जाने वाला हूँ। So they used to listen and they used to forget. Again Jesus used to remind and again they will forget. But this is another instance where he was trying to tell them, I'm going to leave you. और वे लोग सुनते थे और भूल जाते थे। प्रभु कहता था और फिर वो सुन करके वे भूल जाते थे। यहाँ पर भी एक और बार प्रभु यीशु मसीह उनको स्मरण दिलाते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ करके जाने वाला हूँ।
So he is going to tell them in this chapter again at length what is going to happen, and he is trying to imbibe in them certain things that they could always remember. And after he had left, they had so much footage of Jesus leaving them. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है उन लोगों का मन को फिर से तैयार कर रहे हैं, उन लोगों का मन को जो है ताजा कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ करके जाने वाला हूँ. So the news that he is going to leave them is going to bewilder them. It is going to affect them because all these 3 years they were looking at a leader and following his footsteps. Now suddenly the leader is not there, the shepherd is not there. They are going to be on their own. और इतने दिनों तक उनके साथ रहा, और जो अभी जो समाचार जो घटना को अभी वो कहने वाले हैं कि मैं तुमको छोड़ करके जाने वाला हूँ, वो बात को सुन करके वे विचलित हो जाएंगे कि मैं तुम्हें छोड़ करके जाने वाला हूँ. And a few hours later, when he is going to be condemned to death, they would be overwhelmed with shock. They will be fear will be in their hearts. And then they would be, you know, in shock for a few days, definitely. और कुछ घंटों के बाद प्रभु यीशु मसीह मरने वाला है. इस बात को सुन करके वो चकित हो जाएंगे, आश्चर्यजनित हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में उनको छोड़ करके जाने वाला है. But he was gracious enough, even after his resurrection, to be there for 40 days so that they would be comforted and established in the way they have to go. और लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु था कि पुनरुत्थान के बाद भी उनके साथ 40 दिन तक समय बिताया, और फिर बाद में उनका मनो को तैयार करके उनको छोड़ करके गया. Then we can ask this question to ourselves, why did Jesus leave them? तो ये सवाल हम प्रभु यीशु मसीह अब इस सवाल को हम कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उनको छोड़ करके गया. If Jesus was and is the Son of God sent by God into this world to save us men and women, he should have stayed here as long as he liked. यदि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा भेजे गए उनके पुत्र थे, तो फिर जितना समय वो चाहते बा जितना जो है संसार में वो रह सकते थे, उतना दिन उनको रहना चाहिए था. क्यों छोड़ करके गए? He was not a 60-year-old man. He was only around 33. And 33 years is something like a person who is not, you know, that long lived in this world. और वो कोई 60 साल के व्यक्ति नहीं थे, वो 33 साल के व्यक्ति थे. और 33 साल कोई ज्यादा लंबा समय जीने का नहीं होता. So if he was tarrying here longer, he could have served some more people. He would have helped others. But was it too early? और वो और कुछ समय रहते तो फिर कुछ लोगों का और सेवा कर लेते, और कुछ लोगों का और उन लोगों का उत्थान हो जाती. क्या वो जल्दी छोड़ करके नहीं गए? See verse 1, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. That means to the uttermost. और आप पहला पद को आप गौर कीजिए, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा. So is he being thrown out of this world? No, he was not being thrown out. He had given up. He was leaving the world deliberately to go where? 13:1 says to go back to the Father. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि क्या ये संसार उनको त्याग दिया या फिर संसार उनको भेज दिया, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, वो जान बूझ करके संसार छोड़ करके वो जा रहे थे. कहां? ना अपने पिता के पास वो जा रहे थे. So from now on he would be raised up by the Father to the position of the supreme power in this universe, and he would be seated at the right hand of God. और अभी से लेकर के परमेश्वर उनको जो है ऊंचे पद में स्थापित करेंगे, और जो संसार के ऊपर जो ब्रह्मांड के ऊपर उनको अधिकार देंगे. Can you imagine having all power given unto him? What it means?
क्या आप इस बात को गौर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण अधिकार उनको दिया जाता है, उसका अर्थ क्या है? It means you are going to rule over not only everything in this world, India, Pakistan, Bangladesh, USA, all those countries, but you are going to have the power over the universe. That is the power which the Lord Jesus Christ was going to get. और आप सोच करके देखो कि जो अधिकार रखना व शासन करना केवल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या यूएसए में नहीं, बल्कि सारा विश्व भर में, सारा जो आकाश मंडल से लेकर के सब कुछ के ऊपर उनका अधिकार होने वाला है. So why is he leaving them? फिर उनको क्यों वो छोड़ करके जा रहा है? So the answer is this. He was determined to make his disciples holy. और वो सवाल का जवाब ये है कि उनका चेलों को वो पवित्र करना चाहता था. So you see, after say, let's take the condition of each of these disciples after say 10 years after Jesus ascended to heaven. You go and interview Mr. Peter. Mr. Peter, you know, you are a very different man. You denied the Lord. You did so many foolish things. You jumped into the water. All those things you did. But we are amazed at you. They will be saying. और जो है प्रभु यीशु मसीह 10 साल यदि रहते हैं, फिर बाद में यदि उनको छोड़ करके जाते तो पतरस के पास जा करके कोई सवाल करता, अरे पतरस, आप तो प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार किया था और फिर आपने जो पानी पर आपने कूद पड़े थे, बहुत सारे ऐसे काम को किया, आपको देख करके हम तो चकित थे करके उसको कहते. So one thing which you will notice is the measure of holiness of Peter, of James, of John, of all the disciples have increased from the time Jesus ascended to heaven. और आप इनका विषय को आप सोच करके देखो, इनके बारे में गौर करके देखो, जैसे प्रभु उनको छोड़ करके गया है, अभी उनका पवित्रता दिन ब दिन बढ़ता चला गया है. पतरस हो या यूहन्ना, सभी लोगों का पवित्रता बढ़ते गया है. So it, you know, Christ is not like a, you know, let's say a tennis player or somebody who's losing his last match and retiring. प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी के समान, कोई टेनिस प्लेयर या क्रिकेट प्लेयर जो है वो कोई गेम हार गए, कोई मैच हार गए और फिर बाद में धीरे से वो रिटायर ले रहे हैं. So for Christ, he had won, he is going to win and have victory over sin, Satan and death. और मसीह यीशु जो है उनके ऊपर विजय पाने वाला है, वो है पाप, मृत्यु, इन सभी के ऊपर और शैतान के ऊपर वो विजय पाने वाले हैं. He is going to go as a victor, not as a defeated person. वो एक विजय व्यक्ति हो करके जाने वाला है, कोई हारा हुआ व्यक्ति जैसा नहीं. And he was going to teach that you need to be holy during the last hours before he left them, and that is what we see from chapter 13 onwards. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आखिरी वक्त में छोड़ करके जाने से पहले आखिरी में यही शिक्षा देते हैं कि तुम्हें पवित्र बन करके रहना है इस संसार में, वही बात को वो 13 अध्याय में वो सिखाते हैं. So during the supper, the devil had already put in the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray Jesus. और जो भोज के वक्त में उस समय शैतान इस्कारियत यहूदा का मन में जो है प्रवेश कर चुका था और ये सोच और विचार उसके मन में, धोखा देने का जो विचार था उसके मन में पैदा कर चुका था. And Jesus knows, now everything is given into my hand. I have the power of everything, over everything. और प्रभु यीशु मसीह इस विषय को जानते थे और वो कह रहे थे, अभी मेरे हाथों में सब सामर्थ दी गई है, उस सब कुछ शक्ति और सामर्थ मुझे दिया गया है. So these were people whom he had chosen himself. Nobody has just said, okay, somebody has done the interview of Peter and James and John and all those people. They were not interviewed by somebody and then inducted into following Jesus. Jesus,
Christ had called everybody by name and said, come, come, come. And he even called Matthew. He said, Levi, come. और अब देखिए कि कोई पतरस का या फिर दूसरे चेलों का कोई इंटरव्यू लिया गया और फिर बाद में उनको चुना गया, ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उन सभी लोगों का चयन किया है, पतरस का हो या मती का हो, सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ओर से चुना है कि कोई मती हो फिर लेवी हो, तुम आओ मेरे पीछे आओ करके उन्होंने खुद स्वयं अपने लिए चेला बनाया है। So for 3 solid years he was teaching them, he was training them, and he was encouraging them, and he was with them, lived a life which was holy, and he was going to tell them in these last few hours what is the final message for them. और अब देखिए कि 3 साल तक उनके साथ रहा, उनको सिखाता रहा और उनके साथ रह करके समय बिताता रहा। आखिरी वक्त में एक संदेश, एक शिक्षा को वो सिखाने वाले हैं। वो आखिरी संदेश और शिक्षा क्या है? So just imagine you are sitting with Jesus in this occasion. It would be the last meal they will have with the master. और आप इस बात को सोच करके देखिए कि प्रभु यीशु मसीह जो उनके गुरु है, आखिरी भोजन उनके साथ वो लोग करने वाले हैं। The place or the room which they had gathered was a borrowed place. और जिस कोठरी में वे लोग एकत्रित हुए थे, जिस कमरे में, वो किसी से उधार मांग करके, किसी से जो है बोल करके, उस कमरे में वे लोग एकत्रित हो रहे हैं। And normally when you go to a big mansion or a big hotel, you will have people called waiters to wait on you and give you what you want. और यदि आप साधारण सा कोई होटल में भी जाएंगे, वहां पर यदि किराए में लेंगे, तो फिर वहां पर जो है काम करने वाले वेटर्स हो सकते हैं, आपका सेवा करने के लिए वहां पर खड़े होंगे। Do you know in the Middle East there used to be servants who were there when they walked the dusty streets of the place in which was full of dust. When they came in for the meal, before that there were servants who would wash their feet. और आप क्या जानते हैं कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो जो है वहां पर जो सड़कें हैं बहुत धूल से भरा हुआ रास्ता होता था, तो फिर वहां पर नौकर लोग रहते थे, वो दास लोग रहते थे, और उनके पैरों को यदि किसी का घर पर यदि आते थे तो उन भोजन करने से पहले उनको पैरों को धुलाया जाता था। So as we come down in this chapter, we find that there was only one servant which was there who was willing to wash the feet of all the disciples. और जब हम इस जो भोजन में उस कोठरी में हम लोग आते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है एक ही एक ऐसा दास था सभी चेलों का पांव को धोने के लिए वो तैयार था। So we see certain things in the mind of Christ. The first thing which I want to put into your mind this morning and share with you is that Jesus knew all things has been given into his hand. और आज सुबह के वक्त में एक ही एक विषय मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों का ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह वो उस विषय को जानता था कि सभी सामर्थ्य, हर प्रकार का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दिया गया है। So if I say, brother Jagveer, all things have been given into your hand and you have the power to do anything, what will you do? और मैं यदि कहूं भाई जगबीर, आपको हर प्रकार के सामर्थ्य आपको दिया गया है, तो फिर जगबीर क्या करेगा? You can do anything you want. आपको मैं कहूं कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। So if you have that thought in your heart, you will only do one thing. First thing you will say that, hey, somebody come and you know, wash my feet. और सबसे पहले तो यदि हर प्रकार के सामर्थ्य और शक्ति हो आप में, तो सबसे पहले आप बुला करके कहेंगे, हे तुम इधर आओ और सबसे पहले मेरे पांव को धो। He knew that his hour of humiliation was near, but he also knew his hour of glory was also near. और इस बात को वो जानता था कि वो घड़ी
जो नम्रता होने का और छोटे होने का जो एक घड़ी आया है, इस बात को भी वो जानता था कि महिमा मैं शरीर में, महिमा मैं प्रवेश करने वाला है, इस विषय को भी वो अच्छे से जानता था। Even when Jesus knew all things has been given into his hand, his heart was not filled with pride. His heart was filled with humility. और आप देखिए, भले प्रभु यीशु मसीह जानता था कि वो उसको महिमा में प्रवेश करने वाला है, महिमा उसको मिलने वाली है, फिर भी उसका हृदय जो है घमंड से भरा हुआ नहीं था, बल्कि नम्रता से भरी हुई एक हृदय को देख सकते हैं। He is looking for a basin, he is looking for water, he is looking for a towel. और वो एक जो है पात्र को वो ढूंढ रहा था और वो एक तौलिया को तलाश रहा था। And he is looking for all things where he is going to be able to serve his loved ones. और आप देखिए कि वो अपना जो है कमर कस करके अपना जो है अपना जो जिसको वो प्रेम करते थे उनका पांव धोने के लिए वो तैयार था। Love is always like that. और प्रेम ऐसा ही करता है। So for example, if somebody whom you love most is falling ill, the person who loves him most will perform the most menial service and he will delight to do them because love is like that. और मान के चलो कि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और वो व्यक्ति यदि बीमार पड़ जाता है तो जो व्यक्ति उससे प्रेम करता है उससे जितना हो सकता है उसका सेवा करने के लिए वो प्रयास करेगा। So I want to stress that he will be ready to do the most menial and even bathroom or toilet duties for him. और वो क्या करेगा ना, उसका सेवा इस हद तक वो करेगा कि उसका जो है बाथरूम हो या फिर टॉयलेट, हर चीज को वो साफ करने के लिए वो छोटा से छोटा काम से लेकर के वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। So, love doesn't create any hindrance in the service when it is needed if you love somebody so much. और यदि आप किसी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, प्रेम कभी भी कुछ भी काम करने के लिए प्रतिबाधित नहीं करता है। So, do we take care of our children when they are born till they are able to do things on their own? We do that. और जब एक बच्चा पैदा होता है, जब तक एक बच्चा अपने आप में सब कुछ नहीं कर सकता, तब तक हम उस बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसका सेवा करते हैं। Some people, not you, some people think, you know, it is, you know, we are too distinguished people to do humble things. और कुछ लोग इस तरीके से सोचते हैं कि हम तो इस काम को करने के लिए पहचाने जाते हैं, इस तरीके का काम ही हम लोग करते हैं करके वो अपने आप में घमंड करते हैं। It is such a menial task. Oh, should I be doing that? Oh, let that other brother do it. अरे ये तो सबसे छोटा काम है, ऐसा काम मैं करूं? अरे और कोई भाई है वो कर ले। So here the first point which I want to bring to you is that he knew he was the Lord of all, but still he is going to wash the feet of 12 people. और यहाँ पर आप देखिए कि जो है वो जानता था, बट लेकिन उसका हृदय इतना नम्रता से भरा हुआ है, सभी 12 चेलों का पांव को धोने के लिए वो तैयार था। Second point, he knew that he had come from God. He is going to go back to God. दूसरा विषय यह है, वो जानता था कि परमेश्वर की ओर से आया था और परमेश्वर के पास वो जा रहा था। So it was at that time that God was nearest to him that Jesus went to the depths of his limits in the service of man. और वो इस विषय को जानता था कि वो परमेश्वर के पास जा रहा है, लेकिन इतना छोटा हो गया, इतना गहराई में चला गया कि अपना चेलों का पांव को धो करके उनकी सेवा करना चाहा। So to wash the feet of the guests was the work of slaves. और कोई यदि मेहमान घर पे आता है तो उनका पांव धोना
वो कोई बड़े लोगों का काम नहीं बल्कि दासों का काम था. So the disciples of the rabbis were supposed to do the personal service of the master. और जो गुरु लोग हैं वो गुरु के जो चेले थे और गुरु का जो काम होती थी उस काम को वे लोग करने का था. So even though he was knowing that he was so close to God, he did not consider it below his dignity to serve by taking a basin of water, taking a towel and going down to the level of the ground, going and cleaning and cleansing the men who had supposed to cleanse his feet. और आप देख करके देखिए कि वो परमेश्वर के पास वो जाता था, परमेश्वर ही था, और वो इतना नम्र हो करके अपना कपड़ा उतारा और एक अंगोछा बांध करके जो जो है एक कटोरा लेकर के उसमें पानी भर करके जो है जो अपना चेलों का पांव को धोता है. So it is always true that there is no one closer to men who is close to God. So who is close to God will be the most closest to men. और ये हम देख सकते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर का करीब होता है वो व्यक्ति उतना ही करीब मनुष्य के साथ रहता है. So there is a story, it's a legend, this may not be true. So, but I was impressed by it. और ऐसा एक कहानी है, ये हो सकता है कि वो सच नहीं होगा, लेकिन ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ. There was the Saint Francis of Assisi. He was a very wealthy man and nothing but the best was good enough for him. और एक संत फ्रांसिस करके एक व्यक्ति था असीसी में. So he was very wealthy but nothing but the best was good for him. You know, he wanted the best of things like the best shoe, best shirt, best car, best everything best. और वो ज्यादा अमीर तो नहीं था लेकिन सब कुछ उसके जीवन में अच्छा ही चाहता था. समझ लो कि अच्छा कपड़ा, अच्छा गाड़ी, अच्छा सब कुछ वो अच्छा ही चाहता था. One day he was riding outside the city when he saw a leper who was full of sores, a horrible sight. और एक दिन वो यात्रा कर रहा था और उसने एक कोढ़ी बीमारी व्यक्ति को देखा, कोढ़ से बीमार हुआ एक व्यक्ति देखा, उसके चारों ओर घाव से पूरा भरा हुआ था, ऐसा एक व्यक्ति को उसने देखा. But normally Saint Francis, this person would have, you know, kind of turned his head away and run in the opposite direction, but that day he stood there. और ऐसे व्यक्तियों को देखने के बाद सेंट फ्रांसिस बा संत फ्रांसिस जो है देख करके विपरीत दिशा में भाग करके चले जाते थे, लेकिन उस दिन वहां पर वे खड़े रहे. Something moved in his heart. उसके दिल में कुछ ऐसा तिलमिलाया, उसका विचलित कर दिया. He dismounted from his horse he was riding and he went and flung his arms around the leper and embraced him. और उस दिन क्या किया, अपना घोड़े से वो उतर गया और जा करके उस व्यक्ति को अपना गले लगाया. And the legend is that as he embraced the leper, he saw the figure of Jesus. और जैसे ही उसने उस व्यक्ति को गले लगाया, उसने प्रभु यीशु मसीह का चेहरा को देखा. So the nearer we are to the suffering people, the nearer we are to God. और जितना ही कष्ट और दुख उठाने वाले व्यक्तियों के पास हम लोग होते हैं, उतना ही करीब परमेश्वर के पास हम होते हैं. So Jesus knew one more thing. That's the third point. और तीसरा विषय यही है कि प्रभु यीशु मसीह एक और विषय जानता था. He was knowing very well that he was going to be betrayed. और इस विषय को बहुत अच्छे से जानता है कि वो तिरस्कार किया जाने वाला है. So if somebody is planning something like this against you, what will you do? और कोई व्यक्ति यदि आपके विरुद्ध ऐसा काम करने वाला है, आप जानते हैं, तो आप क्या करेंगे? So it will turn your heart, which is beautiful,
into one which is full of hatred. और आपका हृदय जो सुंदर और कोमलता से भरा हुआ है, यदि आप जानेंगे उस व्यक्ति ऐसा करने वाला है, तो उसके प्रति एक कड़वाहट का मन, एक हृदय आपके मन में पैदा होगा. What touched my heart is the more men hurt him, the more Jesus loved them. और मेरे हृदय को एक जो है स्पर्श करने वाली बात यह है कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को घृणा और नफरत की करते गए, उतना ही उनसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता गया. It is very natural to kind of be resentful and becoming bitter when somebody hurls insults and injury to you. और ये जो है वास्तविक है. हाँ, ये हम समझ सकते हैं, अर्थपूर्ण है. कोई व्यक्ति यदि आपके विरुद्ध काम करेगा तो एक कड़वाहट का मन आपके मन में पैदा होगा. But Jesus met the supreme kind of his own disciple kind of betraying him. He did not react. He showed the greatest humility and the greatest love. और भले ही उसको नफरत किया गया, फिर भी उसने क्या किया, ना अपना जो है नम्रता की स्वभाव, अपना प्रेम उस व्यक्ति के प्रति प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया. So now let's go back to Luke chapter 22 and 24 to see a background of what was going in the minds of these disciples. आइए लूका रचि सुसमाचार 22वां अध्याय उसका 24वां पद के ओर हम लोग चलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मन में उन चेलों के विषय में क्या चल रहा था. Can someone read that please? Luke 22 and 24. आइए हम लोग लूका रचि सुसमाचार 22वां अध्याय 24वां आयत को पढ़ लेते हैं. उनमें यह बात विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है. So this was the breaking news. ये उनके लिए एक बहुत breaking news जैसा था. When Jesus is going to be troubled in his mind because of his impending sacrifice of himself, here are people who are so they don't have any other topic. They want to see who's the greatest, who's going to sit next to Jesus in that order on the table. और आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मरने वाले हैं, उन लोगों के लिए बलि होने वाले हैं, फिर भी लोगों का मन में क्या चल रहा है कि उनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये सोच और विचार उनके मन में चल रही है. Nothing crossed in their mind that okay, we the Lord Jesus has traveled and come to this place. We have to wash his feet. That thought doesn't get into their minds because they always want to think which seat I will take, which how close I can be to the master to show that I am deputy Jesus. और आप देख करके देखिए कि वो लोगों का मन क्या है. इतना दूर उनका गुरु जो है चल करके आया है, उसका पांव धूल और मिट्टी से भरा हुआ है. किसी का मन में ये नहीं आया कि गुरु का पांव को मैं धो दूं. लेकिन उनका सोच और विचार को देखिए, कितना करीब मैं गुरु के पास बैठ सकता हूँ, कौन सा सीट में मैं बैठूं, और कितना करीब मैं और जा सकता हूँ, और कितना उच्चा पद मुझे मिल सकता है, ये सोच और विचार उनके मन में था. So let's read 4 and 5 verses of chapter 13, brother. आइए हम लोग 13 अध्याय का 4th और 5th पद को पढ़ लेते हैं. योना रचि सुसमाचार 13 अध्याय 4th और 5th पद. भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा. थैंक यू ब्रदर. सो इवन इन असेंबलीज ट्रबल अराइजेस व्हेन समवन डस नॉट गेट हिज प्लेस. और बहुत सारे कलिशियाओं में भी बहुत समस्याएं उत्पन्न होती है जब एक व्यक्ति अपना पद को नहीं पाता है. Here is a lesson that there is only one kind of greatness, the greatness of service. और यहाँ पर एक पाठ, एक सीख को हम लोग सीख सकते हैं. वो सबसे उत्तम और महान जगह वही है, वो है सेवा का स्थान है.
The world is full of people who are standing on their dignity when they should be kneeling at the feet of their brethren, washing their feet. और जो है संसार की ओर देखें तो सबके सब अपना जो है डिग्निटी के ओर देखना चाहते हैं, अपना महिमा को पाना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या करना चाहिए था कि अपना भाइयों के सामने घुटने टेक करके उनकी सेवा करने की जरूरत है। We know in cricket what is happening. A man is not made captain. He says, "I'll not play anymore." आप क्रिकेट के विषय में तो आप जानते होंगे, एक व्यक्ति को यदि उसको कप्तान नहीं बनाएंगे तो वो कहने लगेगा मैं अभी के बाद आज के बाद जो है कभी क्रिकेट नहीं खेलूंगा, ऐसा कहने लगता है। Yeah, there is injury, there is birthday, all those reasons they will say because they have been stripped of the captaincy. और आप देखिए वो क्या बहाना बनाएंगे कि वो बहाना ये बनाएंगे, अरे हमारे घर में जो है बर्थडे आ रहा है या फिर मुझे चोट लगी है, ऐसा तरह तरह का बहाना बनाएंगे क्योंकि उनको उस कप्तान की पोजीशन से उनको उतार दिया गया है, उससे जो है बाहर निकल दी गई है। So normally what people do is when something is removed from them, any position or any power which is removed from them, they will explode in anger and they will brood and they'll make a long face and they will not talk for many days. और यदि किसी व्यक्ति को किसी उनका जो पद से छीन लिया जाता है, उनको उस पद से यदि हटाया जाता है तो लंबा चेहरा बना करके बैठेंगे, बहुत दिन तक अपना गुस्सा दिखाते रहेंगे और दूसरों के ऊपर अपना गुस्सा उतारने का भी प्रयास करेंगे। The devil will come and tell you, brother, your dignity, you should not come down. Your prestige is great. You know you should know your rights. After all, you only established all these things here. So let us that time remember the Lord Jesus Christ, the Son of God, girt with a towel, kneeling at the disciples' feet. और आप देखिए कि आपको यदि कोई उस पद से यदि उतार देता है तो उसी वक्त शैतान आकर के आपको स्मरण दिलाएगा, भाई तेरा पद को तू कैसे छोड़ सकता है, तू तो अति महान, तेरा अधिकार को तुझे समझने की जरूरत है, ये सब बातें बताएगा। लेकिन आपको और मुझे जो है प्रभु यीशु मसीह के समान अपने भाइयों को सेवा करने के लिए नम्र होकर के घुटने टेक करके उनकी सेवा करने की जरूरत है। So once he came and started doing this cleansing of the feet, Peter would have thought, oh, I never thought of it. Oh, the Lord is thinking about my feet. The Lord is licking at the dust in my feet. He is kneeling before me. He is serving me. और जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास आया, उसकी सेवा कर रहा था, पतरस को क्या सोचना चाहिए थे, अरे प्रभु आ करके मेरे सामने घुटने टेक करके मेरे जो है जो धूल है जो मिट्टी है उसको साफ कर रहा है, और ये सब बातें उसके मन में ख्याल आना चाहिए था। So this is something which we need to practice in our Christian life. You remember the Lord kneeling down. He is washing the feet of his disciples, not vice versa. And that is where greatness lies. And that is why people like the Lord Jesus Christ are remembered even after 2000 years because of the sacrifice and the service which he did. मेरे प्यारो, ऐसे ही हमारा मसीह जीवन में होने की जरूरत है, सेवा पाने का नहीं बल्कि सेवा करने का। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह चेलों के सामने घुटने के बल जो है बैठ करके उनकी सेवा कर रहे हैं, इसीलिए आज भी प्रभु यीशु मसीह की उस सेवा को, 2000 वर्ष बीत गया, प्रभु यीशु मसीह सेवा को आज भी स्मरण किया जा रहा है। Can you see whom Lord goes first to wash his feet? Who's the person? और क्या आप जानते हैं कि किसका पांव को प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले जा करके धोते हैं, कौन है वो व्यक्ति? So then cometh he to Mr. Simon Peter, and Peter saith to him, Lord, dost thou wash my feet? और आप देखिए जब वो शमन पत्रस के पास आया तब पत्रस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरा पांव धोता है? What I do now, knowest not now, but thou shalt know hereafter. और आप देखिए जो मैं करता हूँ तू उससे अभी नहीं जानता परंतु उसके बाद समझेगा। So Jesus, Peter says,
thou shalt never wash my feet. और आप देखिए पत्रस क्या कहता है, तू मेरे पांवों को कभी नहीं धोने पाएगा. So what did Jesus answer? Let's also read John 3:5. आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय पांचवा पद को भी पढ़ लेते हैं. Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. Then suddenly Simon Peter says, "Oh Lord, not only wash my feet, but wash my hands." And wash my head also. Huh? You do everything. आप देखिए पत्रस क्या जवाब देता है, तू मेरे पांव यह सुन हम लोग देखते हैं कि प्रभु तू मेरा पांव को ही नहीं धोना बल्कि मेरा हाथ और मेरे सिर को भी धो दे करके वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है. And Jesus lovingly tells him, "Hey, you are taken bath. Okay, so I don't need to give you a bath. Your feet is dirty. I want to cleanse." The portion of your body which is dirty. और आप देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं, अरे तू तो नहा चुका है, मैं तेरे शरीर को नहीं धोऊंगा, लेकिन जो हिस्सा गंदगी से भरा हुआ है, उस गंदगी को मैं साफ करना चाहता हूँ. And he also tells in verse 11, you know, you are not all clean. All of you are not clean. और जो है हम लोग क्या देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि जो है तुम में से सब कोई शुद्ध नहीं है. So it is something which you know it is touching his heart time and again. There is one person who is sitting here whose heart is not right with me. और आप देखिए उनका हृदय को प्रभु यीशु मसीह स्पर्श करके कहता है कि तुम में से एक ऐसा व्यक्ति है उसका हृदय साफ नहीं है. Every time we gather around the table to remember him, let's remember the words of the Lord Jesus. Everybody is not clean. That's why in 1 Corinthians we read, you know, you have to look at yourself before you extend your hand towards the emblems on the table. और जो है जब कभी हम लोग इतवार के दिन में रविवार का दिन में एकत्रित होते हैं प्रभु भोज लेने के लिए, इसीलिए पहला कुरिन्थियों में स्मरण दिलाया गया है कि अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है. Let's read Psalm 41:7. It says 41:9. Sorry. Even my bosom friend, in whom I trusted, who ate of my friend, of my bread, has lifted his heel against me. और हम लोग जो है आइए भजन संगीता उसका 49वां अध्याय और 41 सॉरी माफ करिए 41वां अध्याय और 9 और 9वां पद. मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है. सो इन द ईस्टर्न कल्चर to eat bread with anyone was a sign of friendship and an act of loyalty. और यदि हम उस जो है पूर्व देशों के विषय में यदि हम यदि मनन करें तो फिर वहां पर किसी के साथ यदि आप भोजन करते हैं, आप मिल करके यदि उनके साथ खाना पीना करते हैं, तो दोस्ती और उसके साथ साथ उनके साथ आपका एक अच्छा मित्रता है, इस विषय को दर्शाता है. So David granted the opportunity to Mephibosheth to eat bread at his table when he must could have been eliminated because he was a descendant of Saul, his enemy. और हम लोग क्या देख सकते हैं, मेफीबोशेत को दाऊद अपने साथ मेज में बिठाल करके रोटी खिला रहा है, वो यदि चाहता तो फिर उसको जो है ये मेरा शत्रु का संतान है करके उसको वहां से तिरस्कार कर देता, वहां से उसको भगा देता, ये काम कर सकता था. So in 1 Kings 18 and 19 we see how the prophets of Baal ate bread at the table of Jezebel.
और हम लोग पहला राजा उसका 18 और 19वां अध्याय में देख सकते हैं कि जो है बाल देवता के भविष्यद्वक्ता हैं यजेबेल जो थी उसके साथ कैसे वे लोग रोटी का भोजन करते हैं। तो डेविड सेज इट इज नॉट एन एनिमी हु हैज टर्न्ड अगेंस्ट मी, इफ इट वाज एन एनिमी आई कुड बेयर इट, इट इज नॉट एन एडवर्सरी देन आई कुड हाइड फ्रॉम हिम, बट इट इज यू माय इक्वल माय कंपेनियन माय familiar friend, the one whom I trusted with the treasures of what people gave me to sustain our needs. He has turned against me and lifted his heel against me. और आप देख करके देखिए कि जो है दाऊद का सोच और विचार क्या है कि मैं तेरे ऊपर कितना भरोसा और विश्वास किया था, लोगों ने भरोसा और विश्वास करके कितना धन और दौलत को दिया था, हमारी मदद की थी, लेकिन तू मेरा साथ रहा, तू मेरा साथ खाना पीना सब कुछ किया और अपना पांव को मेरे विरुद्ध तूने खड़ा किया है करके कहते हैं। So you see in Psalms 55 we see a verse in verse 12 to 14 he says you are my companion, my familiar friend. We used to hold sweet conversation within God's house. We walked in fellowship. You are now turning against me. और आप देखिए यदि भजन संहिता 55वां अध्याय उसके 11 पद से लेकर के यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को कहते हैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा मीठी मीठी बातें करते थे, भोजन खाते थे और फिर तुम अभी अपना पांव को मेरे लिए तुम उठाए हो, मेरा बुराई उत्पात कर रहे हो करके वो कहते हैं। He didn't ask Judas to get out, but he says, I love you. It's the last chance. If you want to turn your mind, you turn your mind and have sweet fellowship with us today. और आप देखिए प्रभु यीशु मसीह जब इसका रित यूदा धोखा दे रहा था, धोखा देने के बावजूद भी उनको भगाया नहीं, फिर उनको जो है आ, 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 भगा करके नहीं किया, फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह प्रेम करके कहते हैं अभी भी तू उससे प्रेम करता हूँ, यदि तू चाहे तो अपना मन फिरा लेकर के प्रभु एक अवसर देते हैं। So the passage also stresses on the fact that this tragedy is somehow within the purpose of God. और अब देखिए ये जो बहुत दुर्घटना बा बहुत बड़ी एक जो घटना घटने वाली है वो घटना भी हमें दिखाता है कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह बा परमेश्वर की योजना व तरीके से हो रहा है। Jesus knew what was happening and he was ready to pay the price. प्रभु यीशु मसीह इस विषय को संपूर्ण रीति से जानते हैं और वो तैयार थे उस मोल को कीमत को चुकाने के लिए। So this passage also stresses the bitterness of the disloyalty. और ये जो भाग बा ये जो अध्याय हमें यही बात को दर्शाता है कि एक अविश्वस्त व्यक्ति के विषय में हम देख सकते हैं। So the great honor and the great responsibility of being a blessed Christian is that we stand in the world for Jesus Christ as his ambassador. और सबसे बड़ा उत्तम स्थान और वो काम यही हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए हम एक राजदूत के समान हम खड़े हों, वही हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए लॉयल्टी होगा। We speak for him, we act for him, we are the heralds of his coming. और हम उसके लिए कहेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे, हम ही उसके लिए जो सुसमाचार घोषणा करने वाले बनेंगे। So the honor of the eternal God is in your hands, brothers and sisters. प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आदर करना आपके हाथ में है, प्यारे भाई और बहनों। So we come to verses 21 onwards. Jesus took the bread and gave it to whom first? और हम 21वां आयत में यदि देखेंगे, 13 अध्याय का 21वां पद से यदि देखेंगे, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह रोटी लेकर के किसको देते हैं सबसे पहले? So he gave it to Judas Iscariot. और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह इस्करियोत यहूदा को उस रोटी को देते हैं। So 26th verse, the man who should have been asked to leave the place because of his intent, Jesus still gives him first. Take it.
और आप देखिए उसका सोच और विचार उसका मन में था, जो धोखा देने का जो विचार थी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह जानते हुए उसी व्यक्ति को सबसे पहला रोटी तोड़ करके देते हैं। 26वां पद में पढ़ते हैं, एंड देयर आर डिसिपल्स हु वाज रिक्लाइनिंग विद द हेड ऑन जीसस ब्रेस्ट, सो साइमन पीटर गिव्स अ साइन एंड आस्क कौन है वो, हु इज द वन हु इज गोइंग टू बिट्रे। और जो सब जो चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के करीब हुआ करते थे, वे उनमें से शमौन पतरस जो है सबसे पहले सवाल करके पूछता है कि कौन है वो जो आपको धोखा देने वाला है। So that man took the morsel. He took the morsel and he went out at once and it was night. और आप देखिए वो व्यक्ति क्या करता है, उस रोटी का टुकड़ा लेकर के धीरे से वहां से उठ करके वो चला जाता है। So sometimes do we also do the same thing? Let us examine our hearts, maybe not the same way, but there could be instances which we could correct with this example which is not so good that he had, but he went out, it was night, and going out he did the most heinous thing which he could have ever done to anybody, he did it. Aur ab dekhiye कभी कभार हमारे जीवन में क्या हम लोग ऐसा करते हैं, क्या हम उसके साथ खाते हैं और उसी को ही धोखा देते हैं। मेरे प्यारो अभी वो व्यक्ति वो चाहे तो वो रुक सकता था, लेकिन रोटी का टुकड़ा लेकर के उस रात को जो है सबसे घिनौना काम को वो करने जा रहा था, उस काम को वो नहीं कर सकता था, लेकिन वो कर दिया। So it was a place which Judas has planned to go. Because the planning has already happened. He had already met people. And he was a person who was a great planner in bad things. Aur aap dekh, uncle, once again, you repeat the first sentence. So what I'm saying is, this man had planned everything properly because he just not get out and go somewhere. He did not go home. He had a plan. और आप देखिए ये व्यक्ति का मन में सबसे पहले योजना उसने बना करके रखा था, और ये योजना जो है वो पहले से ही बना करके रखा था। वो सीधा अपना घर पे नहीं गया, अपना योजनाबद्ध तरीके से वहीं पर ही वो जाता है। The tragedy is Jesus appealed to his dark heart again and again and again, but Judas was unmoved because he was a lover of money. God wanted to save him with appeals of love, but this man had nothing of it. He had a plan and he was driven by Satan. और आप देखिए बार बार प्रभु यीशु मसीह उसका जो अंधेरा दिल था, उसका कठोर दिल को बार बार आघात कर रहे थे, उसको बोल रहे थे, पश्चाताप करने के लिए उसको समय दे रहे थे, लेकिन इसका रियत यहूदा का हृदय जो है वास्तव में अंधेरा से भरा हुआ था। वो योजना कर चुका था कि वो यीशु मसीह को धोखा देगा, इसीलिए जो है वो जा करके उसी व्यक्ति को वो धोखा देता है, यीशु मसीह को धोखा देने के लिए वो योजना बना करके रखता है। Then came the crucial moment when the love of Jesus admitted defeat. Pardon me, uncle. Some that vehicle came. Yeah. Then suddenly came the crucial, critical moment, the moment when the love of Jesus Christ admitted defeat. और आप देखिए एक ऐसा एक समय आता है, ऐसा एक वक्त आता है कि प्रभु यीशु मसीह का वो प्रेम, जितना उसने प्रेम किया था वो प्रेम से वो हार जाता है। He says, Judas, hurry on. And what you want to do, go and do it now. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे यहूदा, कि मैं अभी हार गया हूँ और तू जो काम करना चाहता है वो जल्दी ही कर ले करके जा और कर ले करके, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। So other disciples thought, okay, he's telling him, you know, telling him to make some arrangement for one better feast or something like that, but Jesus knew that he was of the wicked one. और अब देखिए दूसरे चेले लोग सोचते होंगे कि एक और भोज रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे होंगे, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि ये व्यक्ति क्या करने वाला है। When Judas received the morsel, the bread, the devil entered into him.
जैसे ही उस रोटी को वो खाता है, उसी वक्त शैतान उसके मन में, उसका हृदय में प्रवेश करता है। This is what the devil can do. He can take the loveliest things and twist them until they become agents of hell. और ऐसे ही शैतान करता है कि वो क्या करता है ना, उस तरीके से उसके मनों में प्रवेश करके उन लोगों का मन को बदल दे करके शैतान ना नरक की ओर ले जाता है। He can take love and turn it into lust, devil. और वो क्या करेगा, उस प्रेम को लेकर के उसको लालच में परिवर्तन करेगा, वो कौन है ना, शैतान। He can turn holiness and turn it into pride. और वो पवित्रता को लेकर के घमंड में परिवर्तित कर सकता है। And he can take discipline and turn it into some cruel exercise which can be done. और जो सुधार होती है, उस सुधार को जो है लेकर के बहुत एक घिनौना, एक क्रूरता का काम में वो परिवर्तित कर सकता है। John had a way with words. He said, Judas went out and it was night. और यहोना इस बात को बताते हैं, वो ये है, यहूदा चला जाता है और वो समय रात का वक्त होता है। So there is always night when the man listens to the call of evil than the summons of good gospel. और ये रात के वक्त ही होता है, वो एक व्यक्ति शैतान की आवाज को वो सुनता है, ना कि वो जो है सुसमाचार को। So if we submit ourselves to Christ, we walk in the light. यदि हम प्रभु यीशु मसीह का वाणी को सुनेंगे तो हम उस प्रकाश में, उस ज्योति में चल पाएंगे। So if we turn our backs to on him, we go into the dark. यदि हम पीछे जब मोड़ लेते हैं, उसी वक्त ही हम अंधकार में चले जाते हैं। God, we should pray, give us the wisdom to choose right, for the way of light and the way of dark are set before all of us. और हम क्या करें, प्रार्थना करें, प्रभु हमारे लिए जो रास्ता, प्रकाश की रास्ता तूने तैयार किया है, उसी रास्ते में चल सके, यही प्रार्थना और दुआ हमको करनी है। We will close with the fourfold glory which we see here. और यहाँ पर जो चार प्रकार की महिमा है, उस बात को देख करके हम समाप्त करेंगे। The glory of Jesus come and that glory is the cross. और सबसे पहला जो महिमा है, वो महिमा क्रूस की महिमा। The greatest glory in life is the glory which comes from sacrifice. और सबसे बड़ा महिमा हमारे जीवन में जब आता है, जब हम अपने आप को बलिदान करते हैं। In war, the supreme glory belongs to those not who survive, but who lay down the life for the country. और क्या है कि ये सबसे बड़ी महिमा जब आता है कि वो अपना जीवन में जो है जीने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों का सेवा करने के लिए बिताता है। The second point is in Jesus, God was glorified. और दूसरा विषय ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर महिमा पाया है। It was the obedience of Jesus which brought glory to God. और ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से ही परमेश्वर महिमा पाया है। The third point in Jesus, God glorifies himself. और हम तीसरा विषय हम लोग देख सकते हैं, अपने आप में परमेश्वर महिमा पाता है। So it is in the incarnation and the cross that God's supreme glory is being displayed to you and me. और ये प्रभु यीशु मसीह का उस देह धारण में ही जो है परमेश्वर की महिमा आपके और मेरे जीवन में प्रकट हुआ है। The final point is God will glorify Jesus. और आखिरी विषय ये है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का महिमामित करेंगे। There are more to follow: the resurrection, the ascension, the full and final triumph of Christ. और बहुत सारे उसके पीछे आता है, वो है पुनरुत्थान और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण और बहुत कुछ। And he is going to come again. और वो प्रभु यीशु मसीह द्वारा आने वाला है। And this glory will be demonstrated to all. और ये जो महिमा सभी लोगों के सामने प्रदर्शित होगा। So, the enthronement of Christ should follow his crucifixion.
और प्रभु यीशु मसीह का जो है उस सिंहासन पर विराजमान होने के परिस्थिति से पहले उसका क्रूशार्पण होना जरूरी है. No, the crown of thorns will be not there. It will change into the crown of glory. और अभी जो कांटों का ताज नहीं रहेगा, लेकिन महिमा का ताज में परिवर्तित हो जाएगा. And the king will enter with triumph and glory, which all the world can see. और अभी जो राजा है वो महिमा में प्रवेश करेगा, विजय होकर के प्रवेश करेगा और संसार उसको देखेगा. Here was a person who loved selflessly, who loved sacrificially, and who loved forgivingly. और यहाँ पर एक वो व्यक्ति है, निस्वार्थ तरीके से प्रेम किया, बलिदान दे करके प्रेम किया, और हम लोग देख सकते हैं कि अपना सब कुछ त्याग करके उसने प्रेम किया है. So Peter would have done wrong, but it was in ignorance. But Judas did wrong after planning it. So this is the difference between Peter and Judas. और हम लोग देख सकते हैं कि पतरस अज्ञानता से उस काम को किया, लेकिन यहूदा के विषय में देखें तो फिर उसने योजनाबद्ध तरीके से उस काम को किया. इन दोनों चेलों के विषय में वही अंतर को हम देख सकते हैं. May the Lord bless these words to us. Thank you, brother, for translating this portion very well, and also thank you for all of you for your patient listening. God bless you all and the ministry which is going on in Gwalior. God bless you all. Thank you. Have a good day.